हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हैं यूनाइटेड नेशंस को लेकर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो वाइवा बेस्ड हैं, और इनफैक्ट ये आपको 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करेंगे। देखो, यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है वो है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस और इसकी ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन तो देगा ही। तो यहाँ जो शॉर्ट क्वेश्चन या जो मुझे लगता है वाइवा बेस्ड है, फर्स्ट देखिए, हाउ मैनी मेम्बर्स डस IMF हैव? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में कितने मेंबर्स हैं? 189। अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करें, आउट ऑफ 189 कंट्रीज डू हैव 52% ऑफ द वोट्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इनमें से कितनी कंट्री के पास जो है 52% ऑफ वोट्स है, तो वो है 10। तो ये बनती हैं हमारी 10 कंट्रीज, यस ऑफ कोर्स। और इनको जो G8 कंट्रीज भी बोला जाता है। G8 का मतलब क्या होता है? जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत डेवलप्ड है, जैसे US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, कनाडा एंड रशिया। एंड अदर टू कंट्री जो हैं मेंबर कंट्री हैं, वो है सऊदी अरेबिया और चाइना। और इनका अगर देखिए तो 52% ऑफ वोट्स का शेयर इनका रहता है, अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करें। अब चलते हैं क्वेश्चन 3, विच मेंबर कंट्री ऑफ IMF हैज़ द मैक्सिमम वोटिंग राइट? और ये वोटिंग राइट किसको जाता है? ऑफकोर्स US को, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो 16.52% है। जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था, यानी आपको बताना है कि कब बना और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसके पीछे की बैकग्राउंड भी आपको पता होनी चाहिए। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो लीग ऑफ नेशंस की जगह पर बना था और इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी थ्रू द साइनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, जिसमें 51 कंट्रीज थी, और कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का, वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क यानी आप अमेरिका में। ऐसी क्वेश्चन 5 है, लिस्ट आउट द एजेंसीज विच डील विद द सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। आपसे ये पूछा जा सकता है, अब मैंने तो यहाँ लिस्ट आउट किया है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस डील विद सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। तो वो आ जाएंगी आपकी, यूनाइटेड नेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज। इनमें सबसे पहली है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNHRC है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। यूनिसेफ हो गई, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। एंड UNESCO यानी द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है कंप्लीट एक पैकेज है आपका। ऐसे एग्जामिन करने हैं कि कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यानी आप बताने कि सिक्योरिटी काउंसिल है क्या एक्चुअल में। यूनाइटेड नेशंस का ही हिस्सा है, जिसमें टोटल 15 मेंबर है, जिनमें से 10 परमानेंट, सो हम कहेंगे 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, और जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें USA, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रशिया आ जाते हैं। ऐसी जो मेरा नेक्स्ट है ये है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये परमानेंट मेंबर हैं तो जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका टाइम पीरियड कितना रहता है? हर 2 साल के बाद वो ऑलमोस्ट 1/3 चेंज हो जाती है। तो क्वेश्चन 7 है, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली। अब इसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपको। जनरल असेंबली एक लेजिस्लेटिव ऑर्गेन है यूनाइटेड नेशंस का, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव है ऑलमोस्ट जितने भी इसके मेंबर्स हैं। तो जनरल असेंबली में जो हर मेंबर हैं, इट कैन सेंड अ मैक्सिमम, यानी जितनी कंट्री हैं हम ये कहेंगे वो भेज सकते हैं 5 रिप्रेजेंटेटिव, बट ईच कंट्री हैज़ ओनली 1 वोट। लेकिन आप 5 मेंबर जरूर भेज सकते हैं, लेकिन वोट आपकी एक ही है। और जनरल असेंबली इलेक्ट्स एंड एक्सपेल्स मेंबर टू एंड फ्रॉम UN बाय ए 2/3 मेजोरिटी। उसमें फिर 2/3 मेजोरिटी से आप अगर किसी को इलेक्ट करना चाहते हैं या एक्सपेल करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसीजर। और जनरल असेंबली जनरली न्यूयॉर्क में मिलती है फ्रॉम सेप्टेम्बर टू दिसंबर के महीने में। अब पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो है यूनाइटेड नेशंस की, ये क्या चीज़ है? ऑफकोर्स जैसा कि टाइटल से ही पता लग रहा है कि जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसका मतलब है कि शांति बना के रखने वाले। मींस की पीस कीपिंग ऑपरेशंस दो नॉट यूज इन द UN चार्टर हैव इवॉल्व ड्यूरिंग द ईयर्स एज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल UN मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी इनका कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इनको यूज़ किया गया। वैसे तो कहते हैं कि काफ़ी टाइम से ऐसा हुआ है कि कुछ इश्यूज हमारे सामने भी हैं जिनका सोल्यूशन नहीं हुआ, बट इवन देन तब भी ये अपनी जगह पे स्टिक रही है। और अंडर दिस ऑपरेशन UN कंट्रोल्ड फोर्सेस आर सेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशंस विच हैव बीन ऑर्गेनाइज बाय देम। तो इसका मतलब क्या है कि जब लगता है कि हाँ कहीं शांति बनानी है तो UN अपनी फोर्सेज को वहाँ भेज के शांति बनाता है। और दूसरा क्या है, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, एक न्यू डिवाइस है प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। इसके द्वारा क्या होता है, जो न्यू एंड द पावरफुल नेशंस दे आर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू द UN।
और यूएन के जो कोज ऑफ पीस में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं वो। ऐसी जो वर्ल्ड बैंक है उसके टू फंक्शंस बताने हैं, तो वर्ल्ड बैंक के मेन काम क्या, इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट रिगार्डिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, और इट प्रोवाइड्स लोन एंड फाइनेंशियल एड। एक तो लोन भी देगा, फाइनेंशियल हेल्प भी करेगा टू द मेंबर्स फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसी है, व्हाट आर द मेन टास्क ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ जैसे यूनाइटेड नेशंस, ये हमने पीछे पढ़ा था इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, ये 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। और इसके मेन फंक्शन क्या है, टू कलेक्ट इमरजेंसी फंड फॉर चिल्ड्रन एंड टू हेल्प इन देयर डेवलपमेंट वर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स एंड द एंड एनकरेजेस द वर्क्स दैट प्रमोट चिल्ड्रंस हेल्थ एंड बेटर लाइफ इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो उन बच्चों की बेटर लाइफ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए इन्होंने काम करना ही है, मीन्स यूनिसेफ ने काम करना है। विच यू एन स्पेशल एजेंसी प्रमोट करती है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, तो यूनाइटेड नेशंस की वो एजेंसी है, यानी द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनेस्को, इज अ स्पेशल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, यानी हर तरह का जो विकास वो इसने करना है, एजुकेशन का, नेचुरल साइंस का, सोसाइटी का, एंथ्रोपोलॉजी का। एंड जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म बाय यूनेस्को हैव बीन टू प्रमोट लिटरेसी, टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडिपेंडेंट मीडिया ऑल अक्रॉस द मेंबर नेशंस। क्वेश्चन 11 है, व्हाट डू यू नो स्पेसिफिक अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और कब इसकी स्थापना हुई थी, अक्टूबर 1990 में, विद इट्स हेड क्वार्टर इन जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। इसके मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रमोट एफिशिएंट कंडीशंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड वर्क फॉर वर्कर्स थ्रू इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स एट द ग्लोबल लेवल। यानी ये मान के चलिए कि जब इसका नाम ही है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लेबर की बेटरमेंट के बारे में ही सोचेगी, तो यही आपको वहाँ रिप्लाई देना है। बस ये कब बनी थी, अक्टूबर 1919 में, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है, ये आपको माइंड में रखना है। कुछ स्पेशलाइज एजेंसी बतानी है यूएन की, तो ये हम पहले वैसे कर चुके हैं, मीन्स ILO, FAO, WHO, IMF, इनकी जो फुल फॉर्म भी आपको माइंड में रखनी है। ऐसी क्वेश्चन 13 में है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही होंगे, किस पर्पस के लिए बना है, अगर दुनिया में कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना, उनका सोल्यूशन करना। ऐसी व्हाट इज वीटो पावर, व्हाट इज वीटो पावर। वीटो पावर एक्चुअल में जितनी भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर है उनके पास है, ओनली द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव द वीटो पावर, और जो यूज ऑफ वीटो है बाय एनी ऑफ द परमानेंट मेंबर कैन स्टॉल और ऑब्स्ट्रक्ट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। यानी अगर किसी बात के ऊपर वो येस करने वाले हैं, अगर किसी ने एक ने रोक दिया तो समझो सारा डिसीजन खत्म। ये उसकी स्ट्रेंथ होती है, उस वीटो पावर की ताकत है। अब इंडिया अगर परमानेंट मेंबरशिप की बात करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसका क्या ऐसा फैक्टर है जो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिसके बेस पे वो कह रहे हैं। तो एक तो इंडिया की पॉपुलेशन नियर अबाउट 144 करोड़ प्लस हो गई है, और ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है। इसके अलावा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है विद स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ पर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से हम आज़ाद हुए हैं। ऐसी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन द रिफॉर्म सॉरी ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस अगर देखें, जो बिगेस्ट डिस्कशन है वो किसकी फंक्शनिंग को लेकर होती है। अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ऑफकोर्स सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर अक्सर ही डिस्कशन होता है कि इसमें कोई ना कुछ चेंज होना चाहिए। G8 क्या है, ये कुछ ग्रुप ऑफ 8 कंट्री हैं और हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, कैनेडा और रशिया। जो सेक्रेटरी जनरल है बैन की मून, और वो साउथ कोरिया से हैं, वो किस नंबर के सेक्रेटरी हैं, तो 8th नंबर के सेक्रेटरी हमने वैसे मेंशन किया। IMF के कितनी मेंबर कंट्री हैं आज की डेट में देखिए, वो पहले मैंने आपको 189 बताया था, ये लेटेस्ट में है 190, यानी ये कुछ जगह पे 189 भी आपको मिलेगा। तो IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल, ये वर्डिंग किसकी है, डैज हैमर्सोल्ड की 21 है। विच डे सेलिब्रेटेड एज द यूएन डे, वो है 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसलिए 24 अक्टूबर जो है वो यूएन डे सेलिब्रेट के ऐसे यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया ने कब यूएन ज्वाइन किया था, 30 अक्टूबर 1945 को।
हु अमंग द फॉलोइंग, यानी ये कहें कि यूनाइटेड नेशन के जो मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर हैं या रिप्रेजेंटेटिव हेड हैं वो सेक्रेटरी जनरल, यानी कौन हो सकते हैं? तो वो ऑफकोर्स हम कहेंगे सेक्रेटरी जनरल है जिसके पास सारी पावर है। एंड हुज बिड फॉर द थर्ड टर्म वॉज ब्लॉक्ड बाई चाइना, किसको चाइना ने तीसरी बार सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए जो है रुकवा दिया था, वो है कर्ट वाल्डेम को, फ्रॉम ऑस्ट्रिया से थे, 1972 टू 81 का टाइम पीरियड रहा। एंड हु इज़ द यूएन सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम साउथ एशिया, तो यूथ हांट उसका आंसर है। इन विच ईयर द वर्ल्ड बैंक क्रिएट, वर्ल्ड बैंक कब क्रिएट हुआ था? 1944 में। तेहरान डिक्लेरेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द थ्री पावर वॉज अमंग, किस किस के बीच में है? US, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, यानी दिसंबर 1943 में। अब देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन तो दिए हैं, बट कई बार बच्चे